सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। पीट पाठ आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हो कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो चुका है और आप लोगों ने काफ़ी तरीके से ट्राई कर दिया लेकिन आप लोगों का जो अकाउंट था वो रिकवर नहीं होगा, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आना है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हो, तो इसलिए आप लोग वीडियो के एक स्टेप मिस नहीं करो, एंड तक जरूर वॉच कर देना, ठीक है। लेकिन वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये रिक्वेस्ट बिल्कुल फ्री है, आपका कोई खर्चा कोई पैसा नहीं लगेगा और हमारा काफ़ी हौसला अफजाई हो जाएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर टेक्निकल मोहलिस चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाला बेल आइकन को ऑल पे भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलेगा। तो चलते बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देना और फिर इसमें आप लोग अपना अकाउंट भी लॉगिन करो। मैंने पहले से अकाउंट लॉगिन कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट है SBN डिसेबल और नीचे यहाँ पर गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन आया हुआ है। तो अब इस तरह डिसेबल अकाउंट कैसे रिकवर हो जाएगा आगे इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप लोग अपना मोबाइल होम स्क्रीन पर आ जाना और फिर आप लोग अपना मोबाइल में प्ले स्टोर से ट्विटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, और ट्विटर डाउनलोड करने के बाद फिर इसमें आप लोग अपना अकाउंट भी लॉगिन करो। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप लोग एक अर्जी अकाउंट क्रिएट कर देना, और यही काम करने के बाद फिर नीचे यहाँ पर जो प्लस का आइकन शो होगा तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सेंटर पेज आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग की एंटर करो तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इसके लिए मैं अपना मोबाइल में नोट पैड ओपन करता हूँ और नोट पैड में मैंने एक अपील लगा दी, ये आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से ये अपील मैं कॉपी करता हूँ। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि ऐसे मैंने अपील कॉपी कर दिया और उसके बाद दोबारा वही ट्विटर वाला पेज ओपन करता हो, और फिर यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अंडर रेट फेसबुक एंटर कर देना, ठीक है। और नीचे सजेशन में जो फेसबुक का वेरीफाई अकाउंट है वो आते हैं, तो यहाँ से फेसबुक सिक्योरिटी वाला जो अकाउंट है तो इसके ऊपर आप लोग सिंपली टैप कर देना, तो यहाँ से ये मेंशन हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोग वो अपील पेश कर देना जो आपने कॉपी कर दिया। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि ऐसे मैंने अपील भी पेश कर दिया। अपील पेश करने के बाद उसके आखिर में आप लोग अकाउंट के परमिशन भी एंटर करो, जैसे कि अकाउंट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट का लिंक। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं अकाउंट के इन्फॉर्मेशन भी एंटर करता हूँ, तब तक के लिए वीडियो रोक लेता हो। हाँ जी, यहाँ पर मैंने अकाउंट के इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर दिया और उसके बाद नीचे यहाँ पर जो पिक्चर का आइकन शो होगा इसके ऊपर आप क्लिक कर देना और फिर आप लोग अपना गैलरी से वो स्क्रीन शॉट सेलेक्ट कर देना। तो चलो यहाँ से मैं वो स्क्रीन शॉट भी सेलेक्ट करता हो। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्क्रीन शॉट भी अटैच कर दिया और उसके बाद ऊपर ट्वीट वाला बटन शो होगा इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ देर बाद में यहाँ से ट्वीट हो जाएगा। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ट्वीट हो चुका है। बस इतना काम करने के बाद आप लोग और कुछ नहीं करो, इंतजार करो, क्योंकि आप लोगों ने ट्वीट में अपना प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर दिया और आप लोगों ने फेसबुक सिक्योरिटी भी मेंशन कर दिया। तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम था वो फेसबुक सिक्योरिटी वाला रिव्यू करेगा और आप लोगों का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये होगा आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।